जगाधरी विधानसभा में इनेलो बसपा प्रत्याशी दर्शनलाल खेड़ा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार तेज के दौरान उन्होंने मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ हाथों में झंडा लेकर दिखाई दिए। इनेलो बीएसपी प्रत्याशी दर्शनलाल खेड़ा पदयात्रा के दौरान दुकानदारों से मिले और दुकानदारों ने भी उन्हें गले में फूल मालाएं पहनाई। इनेलो बसपा प्रत्याशी दर्शनलाल खेड़ा पदयात्रा के दौरान दुकानदारों से मिले। इस दौरान दुकानदारों ने भी अपना समर्थन उनको दिया। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके से बीएसपी जगाधरी में मजबूत हो रही है, इससे निश्चित है कि जगाधरी में जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जगाधरी में गुप्ता पैलेस में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए भव्य तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इनेलो बसपा प्रत्याशी दर्शनलाल खेड़ा का। सामने देख लो सभी शादियों में कितना उत्साह है, लोग खुश हैं। ये पदयात्रा है, पदयात्रा के बाद हमें गुप्ता पैलेस में माननीय आकाश आनंद जी आएंगे, उनका स्वागत करना है। पहले तो 9:30 बजे पदयात्रा थी, उसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसके बाद अब आकाश आनंद जी गुप्ता पैलेस में पहुँच रहे हैं। भीड़ में और जनता में पूरा उत्साह है और अब इस जन समर्थन को देख कर लग रहा है कि हम जीत चुके हैं। क्या लोग परेशान हैं, कल भी बारिश हुई, जल भराव हुआ, आधे घंटे की बारिश में यहाँ किश्तियाँ तैरने वाला सिस्टम बन जाता है और लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है नशे से लोग परेशान हैं, बच्चे बेरोजगार हैं और नशा फैल रहा है। लोग इस बात से बहुत परेशान हैं, माँ बाप चिंतित हैं। अब बदलने के लिए नहीं, बदलाव के लिए जनता वोट देगी। दो कैंडिडेट जो पुराने हैं भाजपा और कांग्रेस का, उन्हें जनता आजमा चुकी है और नकार चुकी है, तो नए चेहरे पर जो है विश्वास जनता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।